फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फर्नीचर क्राफ्ट की तरफ से फोर सीटर डाइनिंग टेबल का। ये डाइनिंग टेबल रेक्टेंगल शेप में है और बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है। इसके जो चेयर्स हैं वो इसमें फोर चेयर दिए हुए हैं मेटेलिक फ्रेम के साथ में, और इसमें वुडन लॉक्स हैं जो उस पर फिट हो जाते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे क्लोजअप में, बट उससे पहले हम इसकी एमआरपी की अगर बात करें तो इसका एमआरपी कुछ 14,600 रुपये के समथिंग है, और मैंने ये ऑनलाइन डिस्काउंट में परचेस किया था तो मुझे 11,000 का पड़ा था। 11,000 में एक डाइनिंग टेबल सोच के ऐसा लगता है कि वाह, व्हाट अ ऑफर। तो 11,000 में एक आप अपनी स्मॉल फैमिली के लिए, चार लोगों की फैमिली के लिए एक अच्छा सा डाइनिंग टेबल का अगर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और इसका शेप भी जो है वो रेक्टेंगल शेप है, आपको ये किसी भी स्पेस में फिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम राउंड टेबल की बात करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी सोचना पड़ता है इसको कहाँ लगाना है, बट रेक्टेंगल टेबल के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता है। और ये टेबल का कुछ डिज़ाइन जो है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न डिज़ाइन का ये टेबल है। इस टेबल का जो वुड है वो और इसका जो मेटल फ्रेम है वो ब्लैक कलर में है, और वुड का हम कुछ ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर कह सकते हैं। तो ये कलर भी हमारे जो इंडियन हाउसेज हैं उनके वुडन थीम से भी मैच करता है, तो ये खास बात है इस टेबल की। इस टेबल में बहुत ही कम ऐसी पॉइंट्स हैं कि आप इसको चाहे तो खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इसको परचेस करते हैं तो इसके साथ में ऑप्शन आपको मिलता है एक घर पर आपके फिटिंग करने के लिए, इसको फिर से बनाने के लिए। ये अलग अलग पीसेज में आती है और इसको बनाने के लिए घर पर सेलर को किसी को भेजते हैं। तो इसकी असेंबली के बारे में अगर हम बात करें तो असेंबली करना भी आसान ही है वैसे तो, बट इसके लिए अगर अच्छा रहेगा आप बाहर से जो असेंबली के लिए भैया आते हैं तो उन्हीं से आप असेंबल करवाएं, काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि वुड ब्लॉक्स भी हैं इसमें और काफ़ी मेटल फ्रेम को किस तरीके से एडजस्ट करना है तो वो काफ़ी अच्छे से फटाफट कर देते हैं। और ये वाली सर्विस बहुत ही अच्छी मुझे लगी थी उनकी। और ये जो टेबल है इसमें आपका जो रेक्टेंगल शेप का टेबल जो हमारा डाइनिंग टेबल है उसकी अगर हम बात करें तो डाइनिंग टेबल पर चार लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं, और इस पर काफ़ी सारा स्पेस है। आप इस पर और अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे आप घर पर आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें एक बड़ी सी टेबल चाहिए होती है, जो स्टडी टेबल पर हमारा काम नहीं हो पाता है। उस पर आर्ट एंड क्राफ्ट में बड़ा सा चार्ट पेपर अगर आपको लेना है और उस पर कुछ काम करना है तो इस पर बहुत आराम से हो जाता है। प्लस हम स्टडी करने के लिए हमारे घरों के जो साइज है वो काफ़ी अभी कॉम्पैक्ट होने लगे हैं, तो हम अलग अलग से टेबल नहीं खरीद सकते कि स्टडी टेबल सबके लिए अलग अलग से खरीद रहे हैं। तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टडी टेबल का भी काम करती है। इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक मीडियम हाइट के इंसान को इस पर बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाइट को बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इसमें। इस टेबल में, डाइनिंग टेबल में लेग स्पेस भी दिया हुआ है, तो बीच में एक लॉग है, एक रॉड है, उस पर आप अपना लेग रख सकते हैं। ये चीज़ इसकी अच्छी है। ये टेबल में काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं, और उनमें से एक जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें नीचे फ्लोर प्रोटेक्टर दिए हुए हैं। फ्लोर प्रोटेक्टर से जब भी आप अपने घर में टाइल पर या फ्लोर पर जब इसको आप इधर उधर डिस्प्लेस करते हैं तो कई बार हम जब देखते हैं कि मेटल से बनी हुई चीज़ें उस पर स्क्रैच डाल देती हैं, तो इसके फ्लोर प्रोटेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और बहुत टाइम हो गया इस डाइनिंग टेबल को मुझे लिए हुए, एक साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं। अभी तक फ्लोर प्रोटेक्टर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, और मैं रोज़ इसकी जब घर की सफाई करते हैं तो मैं रोज़ इसको एक जगह से दूसरी जगह करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम इस टेबल के और जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए हमें इसको पास से देख लेते हैं। ये जो डाइनिंग टेबल है ये कुछ अगर हमको इस टेबल में थोड़ा इशू था कि कंफर्ट इशू थोड़ा सा था, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के कुछ सीट्स हम इस पर लगा सकते हैं। और ये जो टेबल है ये वुडन जो ब्लॉक्स हैं इनसे बना हुआ है, तो जब हम इस पर बैठते हैं तो उतना कम्फर्टेबल फील नहीं करते हैं। इस पर जब हम बैठते हैं थोड़ा सा हार्ड फीलिंग आती है थोड़ा सा। अगर आप और एक्स्ट्रा कंफर्ट अगर चाहते हैं ना, तो उसके लिए इस तरीके के सीट्स आप
बनवा सकते हैं या तो या फिर आप खुद भी एक क्राफ्ट एक्टिविटी के थ्रू बना सकते हैं। हमने ओनली ये कवर्स परचेज किए थे और ये एक हमारा पुराना जो गद्दा था उसको कट करके हमने इसके स्पॉन से इसको बनाया, तो काफ़ी अच्छा ये बैठने का, बहुत सारे अच्छे से सीट्स बन गए और इसके डिफरेंट डिफरेंट आप कलर ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं कवर्स के, और हर रोज़ एक नया लुक हम अपने घर को छोटी छोटी चीज़ों को बदल करके दे सकते हैं। इसके अलावा अब जो ये आपका चेयर है उसकी हम बात करें तो इसमें इस तरीके के मेटल फ्रेम्स हैं, मेटल फ्रेम के ऊपर ये आपका पीछे बैक रेस्ट दिया हुआ है और सीट भी इसी तरीके के वुडन ब्लॉक से बनी हुई है। अब इस सीट के जो नीचे जो ये इसके लेग्स हैं वहाँ पर बहुत ही अच्छे हर एक जो चीज़ फ्लोर को टच कर रही है वहाँ फ्लोर प्रोटेक्टर दिए हुए हैं। इसका बैलेंस काफ़ी अच्छा है, फ्लोर पर ये डगमगाती नहीं है चेयर या डाइनिंग टेबल, बहुत ही अच्छा बैलेंस इसका क्रिएट हुआ है। और अब हम इसके जो चारों सीट्स हैं उनके बारे में, सेम यही सीट्स हैं उनके बारे में तो हो चुका है, अब हम डाइनिंग टेबल के बारे में देख लेते हैं। तो डाइनिंग टेबल को और अच्छा लुक देने के लिए हम रोज़ जब यूज़ करते हैं तो वुड का जो क्वालिटी है वो कैसा भी हो तो उस पर थोड़ा असर तो पड़ता ही है जब, तो हमने क्या किया कि इसके लिए एक अच्छा सा टेबल कवर, टेबल टॉप के लिए टेबल कवर लिया है और यहाँ पर हमने कुछ मैट्स लिए हैं जो खाने के लिए हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कुछ गिर भी जाए तो ओनली मैट को उठा करके साफ़ कर दो तो हो जाता है बस। तो अब हम इस टेबल को देख लेते हैं, तो इसके लिए मैंने दो इसकी डिज़ाइन अच्छी बनाने के लिए, अच्छी दिखने के लिए, लुक्स के लिए मैंने क्या किया कि एक तो ट्रांसपेरेंट कवर ये लिया है हमने और दूसरा इस पर एक अच्छा सा क्रोशिया वर्क का जो किया हुआ क्रोशिया डिज़ाइन वाला हमने एक और नीचे कपड़ा लगाया है, तो इससे काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बन गया है और इससे जो हमारा ऊपर का जो प्लास्टिक कवर है उससे ये नीचे का जो हमारा वाइट डिज़ाइन वाला जो कपड़ा है वो भी ख़राब नहीं होता है। अब हम इस टेबल को हम नीचे से देख लेते हैं कि कैसा दिखता है, तो मुझे तो ये बिना कवर के ही बहुत अच्छा लगता है, इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा, इसका कलर हमको हमारे घर को सूट करता है, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और आप देखिए इसका मैंने इसके ऊपर कवर यूज़ किया तो उसकी वजह से ये वुड का एक इतना सा भी फिनिश गया नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम नया लग रहा है। तो इसको असेंबल करना भी काफ़ी आसान है, अगर आप कभी शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो इसको खोल भी सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप इसको ना खोलें ऐसे ही, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसको इस तरीके से अरेंज करके और आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डाइनिंग टेबल का रिव्यू था, ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।